Hey everyone, welcome back to my channel. As you know, I am Neha. And जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, मैं हूँ नेहा. गाइस, आज के वीडियो में शेयर करूंगी करीना कपूर खान लाकमे एब्सोल्यूट फेस कॉन्टूर फाउंडेशन स्टिक के बारे में. आज मैं आपको इसका प्रोडक्ट रिव्यू दूंगी और आपको ये बताऊंगी इसको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए एंड हाउ टू अप्लाई. एंड सबसे एंड में इसका जाके बताऊंगी इसको कैसे अप्लाई करना है. इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप वीडियो पूरी देखिएगा. वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं. एंड जो लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी क्लिक करिए ताकि आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो. चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, लेट्स गो टू द वीडियो. सबसे पहले हम आते हैं इसकी पैकिंग पे. ये एक गोल्डन कलर की छोटी सी क्यूट सी पैकिंग में आता है. सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी होती है. इसमें 6 शेड्स आते हैं मार्केट में. आप इसको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. मेरा जो शेड है वो 01 आइवरी क्रीम है. अगर आपका स्किन टोन मेरे स्किन टोन से मैच करता है तो आप 01 शेड पिक कर सकते हैं. ये फाउंडेशन स्टिक एक ब्लैक एंड गोल्डन कलर की पैकिंग में आती है एंड इसकी जो पैकिंग है मजबूत है, क्यूट सी लग्जरियस पैकिंग है एंड ये एक गोल्डन कलर के कैप्स में सिक्योर होती है. गाइस, इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की होती है. इस छोटी से स्टिक का जो वेट होता है वो 5 ग्राम्स होता है एंड इसका प्राइस होता है 1300 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा है 5 ग्राम वेट के हिसाब से. ये कंपनी क्लेम करती है कि इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी है एंड इसका कवरेज फुल है. इसको लगाने के बाद आपको इंस्टेंट स्मूथनेस मिलती है. इसका क्रीमी टेक्सचर फॉर्मूला स्किन में इजिली ब्लेंड हो जाता है और आपको रेडियंट ल्यूमिनस फिनिश देता है. इसका टेक्सचर क्रीमी होने की वजह से इजिली ब्लेंड होता है कि नहीं या फिर कवरेज आपको फुल मिलती है कि मीडियम मिलती है, ये आपको वीडियो के एंड पता चलेगा क्योंकि मैं इस स्टिक को अपने फेस पे अप्लाई करूंगी तब आप खुद डिसाइड करेगा कि इसका कवरेज फुल है कि मीडियम है. इस ये फाउंडेशन कम से कम 7 to 8 hours लास्ट करता है एंड इसको लगाने से पहले आपको या लगाने के बाद कोई भी हाइलाइटर नहीं यूज करना पड़ता है. आई थिंक इसमें हाइलाइटर मिक्स है लेकिन इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है. इसको लगाने से पहले आपको फेस सीरम या फेस प्राइमर लगाना पड़ेगा तभी आपको एक रेडियंट और ल्यूमिनस फिनिश मिलती है. अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रोडक्ट को खरीदें या फिर ना खरीदें. तो मैं एडवाइस करना चाहती हूँ जिन लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है वो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं क्योंकि एक छोटी सी क्यूट सी पैकिंग है और मजबूत पैकिंग है. आप इसको पर्स में कहीं पर भी डाल सकते हैं एंड जो फाउंडेशन की पैकिंग आती है वो ज्यादा कांच की बॉटल में होती है तो टूटने का डर रहता है. तो इसकी पैकिंग मजबूत है तो आप इसको आसानी से ले जा सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है. एंड दूसरी चीज ये है कि इसको लगाने के बाद आपको एक इंस्टेंट ग्लो मिलता है, इंस्टेंट स्मूथनेस मिलती है जैसा कि कंपनी ने क्लेम किया हुआ है. ये बिल्कुल ट्रू है एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसको लगाने के बाद आपको हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप इसको खरीद सकते हैं. अब हम आते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को क्यों ना लें. आप देख सकते हैं छोटे से स्टिक है जिसका वेट है 5 ग्राम्स एंड इसका प्राइस है 1300 रुपीज, जो कि बहुत हाईली प्राइस्ड है. हर कोई 5 ग्राम स्टिक के लिए 1300 रुपीज पे क्यों करे. हम देखते हैं कि जो भी नॉर्मल फाउंडेशन है वो 1300 रुपीज में बहुत अच्छे आ जाते हैं एंड कम से कम 6-7-8 महीने जरूर चलते हैं अगर हम इसको डेली यूज करें. लेकिन अगर आप इस स्टिक को डेली यूज करते हो तो ये 1 महीने या 1.5 महीने से ज्यादा नहीं चलती है. इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है 1300 रुपीज इस छोटी से स्टिक के लिए. ये बहुत हाईली प्राइस है, पहला कारण ये है. दूसरा कारण ये है कि इसको लगाने से पहले आपको फेस प्राइमर या फिर फेस सीरम लगाने की जरूरत पड़ती है एंड इसको लगाने के बाद भी आपको एक फेस पाउडर लगाने की जरूरत पड़ेगी तभी आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन हो पाता है. इसलिए आपको ये ना खरीदने के रीजन तो बहुत ज्यादा है लेकिन जिन लोगों ने खरीद ली है और या जो लोग खरीदना चाहते हैं तो उनको कैसे लगाना है आइए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ. मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है. सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी लैकमे ऑर्गन ऑयल फेस सीरम, उसके बाद में ये फाउंडेशन स्टिक अप्लाई करके दिखाऊंगी. आइए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है. इस फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले फेस सीरम अप्लाई करना होता है. मैं यहाँ लैकमे ऑर्गन ऑयल फेस सीरम ले रही हूँ. आप कोई भी फेस सीरम ले सकते हैं या फिर फेस प्राइमर का भी यूज कर सकते हैं. फेस सीरम की 2-4 बूंदें अपने हाथ में लेकर अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई करिए और ऐसे अप्लाई करिए कि पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए. फेस सीरम लगाने के बाद इस फाउंडेशन को अपने फेस पर डॉट डॉट करके अच्छे से अप्लाई करिए. अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस फाउंडेशन को अच्छे से स्किन में ब्लेंड करिए. मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं या फिर अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं.
ये फाउंडेशन स्किन में इजिली ब्लेंड हो जाता है और आपको मीडियम कवरेज देता है। इस फाउंडेशन को लगाने के बाद आपको फेस पाउडर लगाने की जरूरत पड़ती है, तभी आपको एक रेडिएंट एंड ल्यूमिनस फिनिश मिलती है। इस फाउंडेशन को मिनिमम क्वांटिटी में ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने पर हो सकता है आपको एक केकी लुक मिले, इसलिए इसको मिनिमम अमाउंट में ही अप्लाई करिएगा। अब आप देख सकते हैं इसका कैसा लुक आता है। इस ये प्रोडक्ट मैंने मार्केट से खरीदा है, तो मुझे क्लच या फिर लाइनर में चूज करने का मौका मिला है, तो मैंने ये आई पेंसिल चूज करी है जो कि बहुत अच्छी है। इसका रिव्यू मैं जल्दी ही दूंगी। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। पर आपको क्लच फ्री मिलेगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, ये आपका प्योरली लग है। गाइस, ये सब था करीना कपूर खान लैक्मे एब्सोल्यूट फेस कंटूर फाउंडेशन स्टिक के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। गाइस, मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय।